वेलकम बैक टू माई चैनल गैजेट गुरु। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एसस टफ गेमिंग F15 में पबजी खेलने पर कितने FPS मिलते हैं हम लोगों को, और कमेंट्स भी आए थे कि FPS बताएं कि कितने आ रहे हैं पबजी पर। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स सी पबजी कैसा परफॉर्म करता है। दोस्तों, ये लेफ्ट में जो आपको दिख रहा है 378 FPS, वो स्टार्टिंग का होता है, वो बेसिकली तब मिलता है जब कुछ भी आप ना कर रहे हों और बस गेम लोड हो रहा हो और मैं सोलो पे खेलूँगा। तो आपको मैं सेटिंग दिखा दूँ पहले। तो सेटिंग में आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो FPS है उसको कैप नहीं कर रखा है, वो अनलिमिटेड पर सेट है इन गेम और लॉबी दोनों का। और एडवांस पे अगर हम लोग देखें तो आप देख सकते हैं अल्ट्रा, अल्ट्रा हाई, अल्ट्रा और मैक्सिमम चीज़ें अल्ट्रा पर हैं, आप देख सकते हैं। सो बेसिकली टोटल जो हम लोग गेम प्ले देखेंगे वो ऑलमोस्ट अल्ट्रा से लेकर के हाई तक का रहेगा। मैं दिखाऊंगा कितने FPS निकाल के दे पा रहा है RTX 2050। तो पिंग दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी आ रही है ऑलमोस्ट 80 ms अप्रॉक्स, और 50 to 56, यहाँ पे तो 33 हो गए, एक सेकेंड, 54, 58 and 64। सो आई गेस 60 to 70 FPS पे ये कैप्ड रहता है, फ्लक्चुएट होता है आई गेस, इससे ज़्यादा तो अल्ट्रा पे नहीं जाएगा, एंड मे भी चला जाए बट जब बंदे आसपास होते हैं तो नहीं जाता है। तो दोस्तों आप FPS देख सकते हैं 60 है और स्टेबल है 60 पर, 50 टू 60 के बीच में ये नाच रहा है। ग्राफिक्स फ़िलहाल ठीक ठाक हैं, आई डोंट थिंक सो कि RTX 2050 से आप ज़्यादा शिकायत कर सकते हैं, और बंदे बहुत सारे हैं आसपास हम लोग के, चिड़िया की तरह दिख रहे हैं छोटे छोटे। तो 60 FPS आप देख सकते हैं स्टेबल है, 60 टू 70 फ्लक्चुएट हो रहा है। और दिख तो सही रहा है, आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम है, और शिकायत ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि ये RTX 2050 है, 3050 नहीं। तो जितनी परफॉर्मेंस मिल रही है ले लो। SLR ठीक ठाक गन है। तो गाइस आप देख सकते हैं 70 से 80 के बीच में हम लोग के FPS हैं, और ये अल्ट्रा पर है, कम नहीं है अल्ट्रा पर इतने FPS होना। ओके, सो अब हम लोग कम कर देते हैं और ग्राफिक्स को, और देखते हैं तब क्या होता है, कितने FPS हम लोग को तब मिलते हैं। जितना भी सब अल्ट्रा पे है इसको लो पे कर देते हैं, वेरी लो नहीं, अच्छा वेरी लो कर देते हैं, एक बार देखते हैं क्या सीन है वेरी लो पर और कितने FPS मिलेंगे वेरी लो पर। भाई साहब गेमिंग के टाइम ना 5 FPS भी बहुत होते हैं, अगर आपको 5 FPS से 10 FPS का भी बम्प मिल रहा है तो आई गेस आप एक फ़ाइट जीत सकते हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने ग्राफिक कम किए FPS हम लोगों के इंक्रीज़ हुए, स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हुई 80 70 से 5 to 80 के बीच में है। सो गाइस ये था RTX 2050 पर जो हम लोग का एक गेम प्ले है, और मार दिया मुझे। सो यार ज़्यादा अच्छा मैं नहीं हूँ खेलने में, और आप देख सकते हैं कि लगभग कितने FPS हम लोगों को मिल सकते हैं अगर हम लोग
पबजी को खेलें, और अब तो कुछ हो ही नहीं रहा, कोई लोड है नहीं, तो FPS बढ़ते ही जाएंगे, 500 भी छू सकते हैं। डेथ कैम देख लेते हैं कैसे मारा मुझे। सो गाइस बस यही है सिंपल सा कि जो FPS है वो आपके ज़्यादा नहीं बट हाँ 70-80 आपको मिल जाएंगे ऑन एवरेज, और 70-80 FPS पे आपको गेमिंग करा सकता है RTX 2050, इससे ज़्यादा का नहीं करा सकता है, तो ठीक है। वाओ आई एम सच अ नूब। सो गाइस ये रहा वीडियो जिसमें मैंने आपको दिखाया कि PUBG पर कितने FPS हम लोग को मिल रहे हैं ऑन Asus Tough Gaming F15। सो गाइस मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा क्या आपका कहना है इस वीडियो पर, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।